नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। स्वॉर्ड्स स्टैंड फॉर इंटेलेक्ट, स्टैंड फॉर मेंटल एट्रीब्यूट्स एंड इट ऑल्सो स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन। स्वॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टीचर्स। जब भी स्वॉर्ड कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, वो आपको बताता है कि देर इज सम डिफिकल्ट टाइम यू आर गोइंग थ्रू एंड दिस इज द टाइम of learning, this is the time of going through the pain, with this pain you will be able to learn. Aksar hum learn karte hain when there is a difficult period, when there is pain in our life. Jab hum sukhi ho jate hain to hum bhool jate hain, hum so jate hain. Swords jab bhi card aata hai wo hume jagata hai, hume kuch na kuch teaching deta hai. Isliye चाहे ऊपर से वो नेगेटिव लगे, लेकिन एक्चुअली में उसका इंटेंशन यही होता है आपको जगाना, आपको बताना व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो आज हम एक कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सॉर्ट का कार्ड है, और वो कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ट्स। तो जब हम इसके पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं, पिक्चोरियल मीनिंग के जो ऊपर ऊपर के जो मीनिंग बनता है वो ये कि there is a figure who is holding three swords. तो अगर हम उसके पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक फिगर जिसने तीन swords अपने हाथ में ली हुई हैं, और पीछे जो हैं दो फिगर शो कर रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एक आदमी जो है वो वॉक कर रहा है लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल अपनी डायरेक्शन की तरफ, और जो तीसरा आदमी है वो नदी के पास है, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो रो रहा है, ही इज इन ग्रीफ। पीछे का अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो पीछे का एनवायरनमेंट जो है हार्श एनवायरनमेंट है। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ आर ईगो। ये कार्ड हमारी ईगो के लिए भी स्टैंड करता है, वो ईगो जो दूसरों का एडवांटेज लेना चाहती है, जो पॉलिटिक्स खेलना चाहती है, जो अपनी खुशी के लिए दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए तैयार है। दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज ऑल अबाउट। तो जब ये कार्ड आए आपके पास, तो आपको अगेन आपको ये पूछना है अपने आप से कि विच फिगर इज यू, द वन हु इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज टू, द वन हु इज क्राइंग ओवर हियर, और द वन हु इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द गेम। तो अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें, इस आदमी की, तो इसमें यही शो करता है कि लाइक ही इज़ वेरी हैप्पी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज टू पीपल, एंड उसको कोई परवाह नहीं है कि वो आदमी दुख में है या पेन में है, उसको बस अपनी विक्ट्री से मतलब है। जो ये फिगर आप देखते हैं, जो आदमी रोता हुआ नजर आ रहा है, ही इज समवन हु हैज एक्सेप्टेड द डिफीट, हु हैज प्लेड दिस गेम विद दिस मैन and he has lost something very deep, he has lost his ego, aur jiske karan jo hai wo grief mein chala gaya. But this is also a time, agar aap dekhoge to uske saath mein jo hai ki jo nadi beh rahi hai, that's also a sign that this is also a time where he can revive himself. Aur agar hum is aadmi ki baat kare to ye aadmi jo hai, he has actually walked away. Isne defeat bhi accept nahi kari और वो गेम भी नहीं खेला। he has seen that this is just waste of his time and he doesn't want to get into it. तो he also dropped his sword and he started walking away. तो what he has done is he has taken the middle path, and which is also known as the path of Buddha. Buddha is known for his middle path. And Buddha says that you have to be in the world and you yet you don't have to be there. To jisko wo bolte hain the middle path, this is what it is signifying here. So agar hum is card ki kuch positive attribute ke bare mein baat karenge to there is only one positive attribute about this man who is walking away, you know, who is not indulging himself into any kind of a game, any kind of a politics. So he is the most intelligent one here out of all these three. और ये आदमी जो गेम खेल रहा है, इसको अगर आप देखेंगे,
ये शायद कभी शायद रियलाइज भी ना करे कि एट व्हाट प्राइस ही हैज वॉन दिस गेम बिकॉज ही हैज शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ पीपल. ये अपनी विक्ट्री से ज़्यादा उसको इस बात का जो है उसको खुशी है कि उसने वो दोनों जो हैं दुखी हैं. तो अगर आप गेम खेलते हैं किसी के साथ और अगर गेम के अंदर जो है अगर आपकी विक्ट्री ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप विक्ट्री से ज़्यादा आपको ये हो कि दूसरे को दुख पहुँचे तो वो उस विक्ट्री का तो कोई यूज़ ही नहीं है. तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में अगर कोई आपके ऊपर जो है इस तरह से जो है आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, उस मोमेंट में आप क्या करेंगे? क्या आप डिप्रेस हो जाएंगे या फिर आप इंटेलिजेंटली आप इस सिनेरियो को देखेंगे और आप चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे? वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू? वॉट विल यू चूज फॉर योर सेल्फ? दिस इज़ वॉट द कार्ड टेल्स यू. दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड वेयर इट सिग्निफाइज सेपरेशन, लाइक इट कुड बी अ सेपरेशन ऑफ ब्रदर्स, इट कुड बी अ सेपरेशन ऑफ अ ग्रुप, लाइक समथिंग सैड हैज हैपेंड एंड द ग्रुप हैज बीन डिवाइडेड. किसी को एडवांटेज मिल गई है, किसी को जो है डिसएडवांटेज मिल गई है, कोई सुखी हो गया है, कोई दुखी हो गया है. तो जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आए, आपको एक तो सबसे पहले ये पूछना है कि आप इनमें से कौन हो. और अगर आप ये फिगर हो जो लोगों का एडवांटेज ले रही है, तो आपको अपने आप को पूछना है, आर यू डूइंग द राइट थिंग एंड इज़ दिस विक्ट्री वर्थ? और अगर आप ये फिगर हो जो कि डिप्रेस है, मैं आपको ये कहूँगा, अच्छा है आपने वो गेम खेली और वो गेम खेल के आपको रियलाइज़ हुआ. अब आपको जो दुख है ये आपको रियलाइजेशन देगा. इस रियलाइजेशन से मत भागिए. ये रियलाइजेशन जो है आपको आपकी लाइफ के लिए आगे सर्व करेगा, आपको हेल्प करेगा. और जैसा मैंने कहा पहले कि आउट ऑफ दीज थ्री फिगर्स दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव फिगर. ये आदमी जो है एक इंटेलिजेंट साइन शो करता है. वो सिंपली जो है ही हैज़ डिसाइड नॉट टू प्ले दिस गेम ऑफ ईगो एंड ही इज़ वेरी क्वाइटली ही इज़ वॉकिंग अवे. सो विक्ट्री जो कि दूसरे का हार्ट क्रश कर दे, वो विक्ट्री किसी काम की नहीं है. लेकिन विक्ट्री जिसके अंदर जो है एक ऐसी एक स्थिति बने जिसके अंदर एक विन विन सिचुएशन हो, तुम भी जीते मैं भी जीता, तुम भी खुश मैं भी खुश, देन दैट विक्ट्री इज़ लाइक वर्थ. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर द कार्ड फाइव ऑफ सॉर्ड्स. So I will take a leave with this mantra which wishes good for everyone, which wishes prosperity for everyone, which wishes all the good feelings for everyone. The mantra is Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Nirameha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchit Dukh Bhag Bhaved. So this was my reading for Five of Swords. I will see you in my next one. Thank you for watching. Namaste.